अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से मार्केट में शुगर की नहीं बल्कि कई ऐसी लाइफ सेविंग मेडिकेशंस हैं जो कि शॉर्ट हो रही हैं, पेशेंट्स को टाइमली दवा मिल नहीं रही मार्केट्स में। उसकी वजह पे हम बात नहीं करते, उसकी कोई भी वजह है। कुछ फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ ने अपना स्टॉक जो है वो शायद कीमत की वजह से, प्राइस बढ़ाने की वजह से रोक लिया हो, या रॉ मटेरियल की अनअवेलेबिलिटी की वजह से किसी भी दवाई की जो प्रोडक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग है, वो उस रफ्तार से ना हो रही हो। कोई भी वजह हो, पिछले दिनों कुछ बल्कि कई हफ्तों से ऐसा देखने में आ रहा है कि जी पेशेंट्स को उनकी जो लाइफ सेविंग दवा है वो मार्केट से नहीं मिल रही। जो हमारे डायबिटिक पेशेंट्स हैं, क्योंकि एज ए डायबिटोलॉजिस्ट अगर मैं बात करूं तो जो हमारे जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनको कई ऐसी दवाइयां, ख़ास तौर पे इंसुलिन नहीं मिल रही मार्केट से, और वो बार बार जो है वो कमेंट्स कर रहे हैं और फ़ोन पे भी पूछ रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी डिस्कशन चल रही हैं कि डॉक्टर साहब फ़लाँ दवाई नहीं मिल रही, फ़लाँ चीज़ नहीं मिल रही, अब क्या करें, क्या रिप्लेसमेंट है। तो आज हम इस इम्पॉर्टेंट चीज़ पर बात करेंगे कि अगर कोई चीज़ आपको नहीं मिलती, कोई ऐसी मेडिकेशन जो आपको एडवाइस हुई हुई आपके डॉक्टर की तरफ से, वो अगर मार्केट में फार्मास्यूटिकल जो कंपनियों वाले अगर स्टॉक रोक के बैठे हुए हैं और फार्मेसी वाले आपको कहते हैं, मेडिकल स्टोर वाले आपको कहते हैं कि जी ये शॉर्ट है, दवाई अवेलेबल नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी रिप्लेसमेंट क्या है, आप वो ले लें। आज इस पर बात करेंगे। चंद इंसुलिन पर पहले बात करते हैं। कुछ इंसुलिन की ब्रांड्स जो हैं वो आजकल शॉर्ट हैं। मसलन इंसुगेट 70-30 बड़ी मशहूर इंसुलिन है, बहुत सारे लोग पाकिस्तान में यूज़ करते हैं इस मेडिकेशन को, जो कि टाइप 1 भी हैं, टाइप 2 भी जो हैं वो ये इंसुलिन यूज़ करें। ये कुछ दिनों से अफवाह फैली हुई है कि जी ये इंसुलिन शॉर्ट है। कई इलाकों में, बड़े शहरों में शायद कम हो, लेकिन कई छोटे शहरों में ये इंसुलिन वाकई शॉर्ट है। अब इसकी रिप्लेसमेंट क्या है? इसकी रिप्लेसमेंट है ह्यूमलिन 70-30। अगर आपको इंसुगेट नहीं मिल रही तो आप ह्यूमलिन 70-30 इसकी जगह पे ले सकते हैं। इसकी जगह पे मिक्स स्टार्ट 70-30 आती है, वो ले सकते हैं। इसकी जगह पे मिक्स स्टार्ट 30 आती है सिर्फ, वो भी आप ले सकते हैं। ये तीनों इंसुलिन तकरीबन एक ही तरह की हैं, और बस इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं वो डिफरेंट हैं, वो मुख्तलिफ कंपनीज़ की बनाई हुई है। और एक बात यहाँ पर ज़रा एहतियात करने की है, वो ये है कि चाहे जिस कंपनी की भी आप इंसुलिन ले रहे हैं 70-30 वाली, चाहे वो इंसुगेट है, चाहे वो मिक्स स्टार्ट है, चाहे वो ह्यूमलिन 70-30 है या मिक्स स्टार्ट 30 है, जो डोज है, जो यूनिट्स हैं, आप उतने ही रखेंगे। जो भी आपको मॉलेज ने, आपके डॉक्टर ने, जितनी भी यूनिट्स जितने टाइम पे भी कहे हुए हैं, कोई भी कंपनी की आप इंसुलिन लें, यूनिट्स की क्वान्टिटी बगैर डॉक्टर से पूछे हुए आपने बढ़ानी या कम नहीं करनी। इससे आप हाइपोग्लाइसीमिया में भी जा सकते हैं, आपका शुगर लेवल हाई भी हो सकता है। किसी भी कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए आपने डोज जो है उसकी, जो खुराक है डॉक्टर ने जो एडवाइस की है, वो उसी तरह लेंगे जैसा कि आपको बताई गई है। दूसरी एक दवाई जो बहुत ज़्यादा शॉर्ट है शुगर के पेशेंट्स की, वो है पायजर। पायजर नामी जो गोली है वो काफ़ी आजकल शॉर्ट हुई हुई है, तो उसकी जगह पर आप जॉलिड ZOLID उतने ही मिलीग्राम वाली जितने की पायजर आप यूज़ करते हैं, आपके मॉलेज ने आपको मशवरा दिया हुआ, वही आप इसकी जगह पे यूज़ कर सकते हैं। जब मार्केट में आप वाला ब्रांड आ जाए, पाइजर आ जाए, या जो आपको डॉक्टर ने तजवीज़ किया हुआ, तो आप उसकी जगह वो लेना शुरू कर दें। लेकिन जब तक शॉर्ट है, इस दवाई को रोकना नहीं है, क्योंकि इससे आप किसी भी किस्म की कॉम्प्लिकेशन में जा सकते हैं, शुगर लेवल बहुत हाई हो सकता है, आप किसी और जो है प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। तो आप रिप्लेस कर लें इसको, पाइजर की जगह जॉलिड ले लें, उतनी मिलीग्राम जितने के आपको एडवाइज हुए हैं। इसके अलावा एक और जो दवाई है जो कि आजकल बहुत ज़्यादा जो है वो शॉर्ट हुई हुई है, वो है गैल्वेसमेट। ये भी आजकल कई लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि जी डॉक्टर साहब गैल्वेसमेट शॉर्ट हुई है, कभी 50/850 वाली नहीं मिल रही, कभी 50/1000 वाली नहीं मिल रही। तो इसकी रिप्लेसमेंट है जॉलिड, इसकी जो रिप्लेसमेंट है वो है विल्डोमेट। तो विल्डोमेट जो है VILDOMET 50/850 में भी आ रही है, 50/1000 में भी आ रही है, 50/500 में आ रही है, तो
गैल्वेसमेट की जगह आप विल्डोमेट आराम से आपको इजीली अवेलेबल है वो आप रिप्लेस कर लें। जब तक आपकी गैल्वेसमेट मार्केट में नहीं आती तब तक आप यूज़ करते रहें, लेकिन माइंड इट कि इसकी वही डोज लेनी है जो कि आप दूसरी मेडिकेशन की लेते हैं। डोज में आपने तब्दीली नहीं करनी, वो आपने मुआले से मशवरे बगैर उसकी डोज में तब्दीली नहीं करनी। एक और दवाई जो कि काफ़ी ज़्यादा जो है वो भी शॉर्ट लोग कह रहे हैं कि आ रही है, वो है जो है ह्यूमिलिन आर, ह्यूमिलिन एन। ह्यूमिलिन आर और ह्यूमिलिन एन जो है वो इंसुगेट आर और इंसुगेट एन के नाम से आ रही है। अगर ह्यूमिलिन आर या ह्यूमिलिन एन जो है वो आपको नहीं मिल रही तो आप उसकी जगह बड़े आराम से इंसुगेट आर और इंसुगेट एन ले सकते हैं। यूनिट्स वही रखने जो कि आप अपनी जो पहले से तजवीज़ करदा दवाई है उसके वही डोज लेनी है जो कि आप रिप्लेस करें जिसको, उसकी भी वही डोज लेनी है। कुछ पेशेंट्स जो हैं वो अपनी कुछ और प्रॉब्लम्स की वजह से, कुछ लोग हाइपरटेंसिव हैं तो वो कह रहे होते हैं कि जी एक ब्लड प्रेशर की दवाई है डायोवैन 40-80 मिलीग्राम की, वो शॉर्ट हुई हुई है। तो डायोवैन जो है DIOVAN, अगर डायोवैन मार्केट में नहीं मिल रही तो बड़ी इजीली अवेलेबल एक दवाई है जो इसकी रिप्लेसमेंट है, पाकिस्तानी कंपनी वो बना रही है, वो है ईजी डे। 50 मिलीग्राम में भी आती है, 25 में भी आती है, 100 में भी आती है, वो आप उसकी जगह आप ले सकते हैं। लेकिन डोज खुराक आपने जो रखनी है वही रखनी है जो कि आप जो अवेलेबल नहीं है, जो डोज ले रहे हैं वही डोज इसकी भी लेनी है। अगर चेंज करनी है डोज तो अपने मौले से मशवरा करें। इसके अलावा कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जैसे चंद एक सुकून वाली अद्वियात हैं, एनजाइटी के लिए लोग लेते हैं, नींद के लिए लेते हैं, रिवोट्रेल नामी गोली है, एलेक्सोटिन नामी गोली, ये भी मार्केट में आजकल शॉर्ट हुई हुई है, या ALP 0.5 मिलीग्राम आजकल मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो मैं उसकी रिप्लेसमेंट तो नहीं बताऊंगा क्योंकि इसमें कई ऐसी अद्वियात हैं जो कि बग़ैर प्रिस्क्रिप्शन के नहीं मिलती। ये सुकून आवर दवा है, ये बग़ैर प्रिस्क्रिप्शन देती, तो अगर मैं आपको इसकी रिप्लेसमेंट बता दूं तो वो आपको ओवर द काउंटर नहीं मिल सकती कि जी मैं ले रहा हूँ, वो उसके लिए फिर आपको अपने मॉलेज की प्रिस्क्रिप्शन चाहिए होगी, तो वो तो फिर मॉलेज आपको रिप्लेस करके देगा, एक नई प्रिस्क्रिप्शन बना के देगा कि अब ये ले लें जो अवेलेबल है। लेकिन इनकी भी रिप्लेसमेंट अवेलेबल है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसके अलावा कुछ ऐसी मेडिकेशंस हैं जिसको हम ताकत के लिए देते हैं, मल्टी विटामिन्स हैं, विटामिन डी और कैल्शियम और कई ऐसी मेडिकेशन जैसे विटामिन B12 है, वो हम लोगों को एज ए सप्लीमेंट दे रहे होते हैं, तो वो भी कुछ आजकल इतलात हैं कि वो भी शॉर्ट हो रही हैं। जैसे मीकोजीन टैबलेट है सबलिंगुअल वाली, SL मीकोजीन SL के नाम से आती है, 1000 वाली भी आती है और 500 माइक्रोग्राम की भी आती है, वो भी कभी कभी लोग शिकायत कर रहे हैं आजकल कि ये शॉर्ट है, ये नहीं मिल रही डॉक्टर साहब, तो उसकी जगह आप मेथीकोबाल, बड़ी मशहूर टैबलेट है, 500 माइक्रोग्राम में आती है, वो आप बड़ी आराम से आपको इजी अवेलेबल वो ले सकते हैं। लेकिन ये जो मीकोजीन है वो सबलिंगुअल होती है, ज़बान के नीचे रखनी होती है, मेथीकोबाल आपको पानी के साथ लेनी होती है, डोज उसकी वही रखें जो कि आप मीकोजीन की ले रहे हैं। अच्छा, अब ये कुछ बात हुई हमारी रिप्लेसमेंट की। कोई भी वजह हो, किसी भी वक्त आपको मेडिकेशन की शॉर्टेज हो सकती है, ख़ास तौर पे जो इकोनॉमिकल और जो फाइनेंशियल हालात हमारे मुल्क के चल रहे हैं उसमें ऐसा पॉसिबल है आइंदा आने वाले फ्यूचर में भी कि कोई चीज़ या कोई मेडिकेशन आपको जो इम्पॉर्टेंट है क्रॉनिक डिजीज़ में आप ले रहे हैं अपनी प्रॉब्लम के लिए, वो आपको ना अवेलेबल हो, तो उसके लिए जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं ये उसकी रिप्लेसमेंट्स हैं। अगर आपको कोई ऐसी चीज़ है जो कि मैंने नहीं भी जिक्र किया तो आप हमारी टीम से मुझसे रابطہ कर सकते हैं, हम आपको ईजिली रिप्लेसमेंट उसकी बता सकते हैं, लेकिन डोज़ आपने सेम रखनी है, अपने मॉलेज के मशवरे के बगैर डोज चेंज नहीं करनी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।